जी नमस्कार। देखिए सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे आ रहे हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन था और कैसा क्वेश्चन था। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? बहुत अच्छा था मेरा। क्या कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन देने में दिक्कत भी हुआ है क्या? जी नहीं। सर कहाँ से हैं आप? मोतीपुर से हैं। मोतीपुर से है। किस टाइप का एग्ज़ाम था? एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। पेपर किस टाइप का था? पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था। ओ ये भी CDP से कैसा था? CDP तो 30/30 था। अच्छा था CDP। अच्छा था। आप पैराग्राफ कैसा था? पैराग्राफ बहुत अच्छा था। पेपर टू के पेपर वन के अलावा मतलब पेपर टू अच्छा गया। अच्छा। और पैसेज किस टाइप का था? पैसेज बहुत आसान था। आसान किताब से ही था पैसेज। तो कुछ पैसेज किस टाइप से था उसका बता सकते हैं कि या पेडागोजी किस टाइप से? पेडागोजी बहुत आसान ही था। आप कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी था इसमें। प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन देखने को मिला? लगभग 10 क्वेश्चन। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा गलत भी आपको आंसर उसका लगा है? हाँ, एक क्वेश्चन था वाइगोत्स्की से था। अच्छा। वो गलत था क्वेश्चन। अच्छा। उसका ऑप्शन ही गलत था मतलब। अच्छा। ये पहला ऑब्जेक्शन हम ही लगाया क्वेश्चन गलत। अच्छा। और सब कुछ ठीक ठाक था। बहुत अच्छा एग्जाम था। किस टाइप का वो जो गलत आंसर कैसा था मतलब? जैसे बायोग्राफी का एक क्वेश्चन था उसमें लगा हुआ था पार्ट दिए हुआ था और ZPD था और एक अंतःक्रिया था शायद। अच्छा। इसी टाइप में था। अच्छा, जो कि दो नहीं दो सही था और दो गलत था लेकिन ऑप्शन में दिया था किसी में एक एक दो नहीं दिया था एक दो तीन दिया था एक दो तीन चार दिया था। सारे क्वेश्चन में एक दिया था जो कि एक नहीं रहना चाहिए। सारे क्वेश्चन में एक नंबर मिलना चाहिए था सबको। एक और बात बता दीजिए, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं क्या पिछले बार से इस बार डिफिकल्ट है ऑनलाइन देने में? देखिए क्वेश्चन ऑनलाइन डिफिकल्ट नहीं है हमको जहाँ तक हमको जो लगा है। अच्छा। हमको समय बहुत बच गया था। हम एक घंटा पहले ही बना चुके थे सारा दोनों में एक घंटा पहले हम बैठे हुए। अच्छा। तो क्वालिफाई हो जाएगा इस बार? बहुत अच्छा नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा वो नहीं बता सकते बहुत अच्छा नंबर आएगा। बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्या ऑप्शन जो पहले था एक दो तीन करके दिया हुआ था लेकिन इस बार ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है क्या इस पर क्या कहना? थोड़ा बहुत है हर आदमी को थोड़ा उस पर गौर से देखना पड़ेगा कि उसमें थोड़ा डिफिकल्टी है कि क्वेश्चन में ABC करके और तीन और चार जो दिया है ना वो चेंज कर दिया है। जी, अच्छा, चेंज करने के बाद होता क्या है उसमें तीन चार दिया है तो उसमें आदमी चार के बदले तीन में मार दे लेकिन आंसर उसका तीन रहता है तो वो तीन चार का डिफरेंस कर दिया उसका। इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते? डिफिकल्ट कहा जा सकता थोड़ा गौर करेगा तो सब कुछ। स्क्रॉल करना पड़ता है समय आपका नष्ट होता है लेकिन जब आप माइंड सेट आपका अच्छा है तो कुछ कोई समय नहीं लगता। बहुत अच्छा है ये सब कुछ। माइंड सेट अच्छा करके जाना पड़ेगा और पॉजिटिव थिंक लेकर जाइए। हिंदी का किस टाइप का क्वेश्चन? हिंदी भी ठीक ठाक ही था जो थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड था। कंसेप्ट लगाने के बाद सबको अच्छा ठीक ठाक ही था। सर जो भी सब्जेक्ट अच्छा ही था। अच्छा था ना? हाँ अच्छा ही था। और कुछ बता दीजिए आपकी और क्या जो भी चीज़ जो भी आदमी जाए पेशेंस लेकर जाए पेशेंस के बाद सारा कुछ है सब कुछ अच्छा जा रहा है। क्वेश्चन कोई नहीं है क्वेश्चन उतना। आज का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों बहुत ही अच्छा गया था। हम लोग जिस तरीके सोशल साइंस था सोशल साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन? सोशल साइंस में हम सोचे थे कि बहुत सारे ऑप्शन वाले आएंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से ही मिले। अच्छा, व्याख्या वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला? व्याख्या वाला बहुत कम मिला। ए और आर को सही या गलत ऐसा बहुत कम मिला पहले से अपेक्षा। इस बार बहुत कम मिला। इस बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड से मिला। इस बार बहुत ही अच्छा था और बहुत ही आसान था जिसको आप इजी बोल सकते हैं। और प्लस सेकंड पेपर का जो आपको हिंदी हो या CDP या हो गया संस्कृत सोशल साइंस बहुत ही बेस्ट पेपर आया। पैसेज भारी था या हल्का था? पैसेज बहुत ही अच्छा था। जैसे था कि पैसेज में समझ में आ जाता था किसका भाव क्या पूछ रहा और बहुत ही अच्छा पूछे हुआ था। चलिए तो आपने देख लिया। और अभ्यर्थी आ रहे हैं मैं उनसे बात करता हूँ। कुछ अभ्यर्थी है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कैसा गया आपका एग्जाम? कैसा गया? अच्छा गया। एक दो क्वेश्चन बता दीजिए ना। सेकेंड का तो याद नहीं है फर्स्ट का याद है। अगर याद है तो बता दीजिए। कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा। किस टाइप का क्वेश्चन था? अच्छा एवरेज था। एवरेज था नहीं क्वेश्चन किस टाइप से था मतलब कोई क्वेश्चन एक आध को बता दीजिए जो आपको क्वेश्चन जैसे लेव वाइगोत्स्की का था जीन। अच्छा। पियाजे के संदर्भ में था। बताइए ना तब ना लाइक अच्छा किया जाएगा। तो आपने देख लिया और आप भी हैं सर एग्जाम देके निकले हैं तो लेव वाइगोत्स्की को हल्बर्ग नैतिकता का सिद्धांत सब आया था सब। और बताइए कि हिंदी में किस टाइप से था? हिंदी में अगर पेडागोजी अगर आपका बढ़िया है तो बढ़िया मार्क्स आएगा।
अच्छा। पेडागोजी पर ध्यान देना है, कॉन्टेंट जो पूछ रहा है वो एनसीईआरटी से पूछ रहा है, आउटी नहीं है, आउटी नहीं है। आप अपने चैनल का नाम बताइए ना सर। इस बार ये सिस्टम है कि मैंने दरभंगा अपना एग्जाम सेंटर डाला था और मैं कैमूर जिला का रहने वाला हूँ, मेरा मुजफ्फरपुर पड़ गया, ये ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा ये पहले बार देखने को मिल रहा है। आप सेंटर चूज कहाँ किए थे? चूज हम दरभंगा किए थे, लेकिन मेरा कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हम, लेकिन मुजफ्फरपुर में आ गए, मुझे आने में यहाँ बहुत परेशानी हुई। अच्छा अच्छा, तो यह देखने को मिला, हमको भी आज पहले बार मिला ऐसा। क्या आपको, आप डबल में जो होता है ना उसको रीअप्लाई भी किए थे? नहीं सर, नहीं किए थे, बस जो फर्स्ट अप्लाई किए थे उसी को किए थे, बस दोबारा रिपूर्ण नहीं किए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको मुजफ्फरपुर मिल गया? जी सर। अच्छा चलिए, एक पहला मामला इस तरह का आया है जो कि आप देख सकते हैं, और फिलहाल इतना ही। और हमारी खबर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।